हेलो एवरीवन, अगर आप दुबई आए हैं और दुबई आकर अगर आपने गोल्ड नहीं लिया तो ट्रिप थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह जाती है, क्योंकि यहाँ का गोल्ड वर्ल्ड वाइड फेमस है और ऑथेंटिसिटी काफ़ी अच्छी रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट बना हुआ है गोल्ड का बर दुबई करके, जहाँ पे आपको एक साथ कई सारी गोल्ड की शॉप्स मिल जाती हैं। इस वक्त दिवाली चल आने वाली है तो ऑफर भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप दुबई आए हैं तो बर दुबई आप ज़रूर आइए, अगर आप गोल्ड के शौकीन हैं। तो मैं आई हूँ यहाँ पे मीना बाजार, जहाँ पे मैं कुछ देखने जा रही हूँ। आइए, आपको भी ले चलती हूँ और एक बार आपको बर दुबई की सैर भी कराती हूँ साथ में। सो मैं हूँ बर दुबई में मीना बाज़ार में, मीना ज्वेलर्स के यहाँ। मीना ज्वेलर्स दो हैं यहाँ पे, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है जो कि सिर्फ डायमंड का है, नीचे पूरा गोल्ड का है जो कि काफ़ी रश हो रखा है। ये ग्राउंड फ्लोर में मैं आ गई हूँ जो पूरा सिर्फ गोल्ड का है, एंड वैरायटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और इसके बाद मैं आ गई बाहर। बाहर मैं जब गई तो देखा एक लाइन से पूरी ज्वेलरी शॉप हैं, एंड जो शॉप्स हैं गोल्ड की वो काफ़ी रिनाउंड हैं, लाइक तनिष्क है यहाँ पे, बट तनिष्क की मेकिंग चार्जेस एज यूजुअल हम सब जानते हैं ज़्यादा होती है। मालाबार है, इंडस है, इंडस में इस वक्त ये लोग 0% मेकिंग चार्जेस ले रहे थे दिवाली एंड करवा चौथ ऑफर की वजह से। एंड देन मालाबार है, डमास है, अग्रवाल ज्वेलर्स हैं, तो जितनी भी अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं ज्वेलरी की वो सब इस मार्केट में हैं। एंड इसके अलावा भी बर दुबई में ड्राई फ्रूट्स की बहुत अच्छी शॉप्स हैं, बैग्स की हैं, पर्सेस की हैं, कपड़ों के लिए भी बहुत फेमस है ये मार्केट। एक तरीके से बहुत ही मिनी इंडिया करके है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है मसाले ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड देन ये पोपले करके काफ़ी बड़ी ब्रांड थी ज्वेलरी की एंड काफ़ी बड़ी शॉप थी, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं वहाँ पे नहीं गई क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना करवा चौथ का गिफ्ट ले लिया है। आप भी बताइए कि आपने क्या लिया करवा चौथ का गिफ्ट। शॉपिंग के बाद अगर पेट पूजा करनी है तो उसके जस्ट पार्किंग एरिया के पीछे एक मार्केट है जहाँ पे आपको जॉइंट्स मिल जाएंगे फूड के। हम भी जा रहे हैं, आप भी चलिए। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ। बाय बाय।